सवेरा। हे मामा, आप उठ गए? आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो। जाओ जाके आराम करो बेटा। कैसी बातें कर रही है मामा, मेरा आपके बगैर दिल ही नहीं लगता। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा तो है कि इंशाल्लाह आपकी तबीयत एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे आप। मुझे परेशान लग रही हो बेटा, क्या बात? अरे मामा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बस आप ठीक हो जाएं, फिर इंशाल्लाह हम साथ घर जाएंगे। और वैसे भी मुझे अकेला तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मामा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? सोच रही हूँ कि जब मैं नहीं होंगी तो हमारा क्या होगा। मामा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अल्लाह भी आपको लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे। और वैसे भी मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्लीज बस ठीक हो जाएं। आप रो क्यों रही हैं मामा? आपको पता नहीं है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें अकेले इस तरह परेशान देखकर मेरा दिल डूबने लगता है बेटा। मामा, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, मैं अकेली नहीं हूँ, आप हैं ना मेरे साथ। और मुताहिर भी यहीं था मेरे साथ, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको घर भेजा। सवेरा, बेटा तुम मुताहिर को बुलाओ, मुझे मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं बुलाती हूँ, कॉल करती हूँ उसे। मैं आती हूँ। मुताहिर, मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? अम्मी, अगर बड़ी अम्मा घर वापस नहीं आना चाह रही तो मैं क्या कर सकता? अम्मा जी को इतने दिन हो गए गए हुए, वो हमसे नाराज होकर गई, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। हाँ तो बिला वजह नाराज होकर गई है ना? क्या मैंने या आपने कुछ कहा है उन्हें? अपनी मर्जी से गई है। बेटे, मैं चाहती हूँ तुम अम्मा जी के पास जाओ, उनसे माफी मांग के उन्हें मना कर एक बार घर ले आओ। मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मी, उनका गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएगी। मुताहिर, तुम ना कभी मेरी कोई बात सुनना ना मानना, अपनी मनमानी करना बस।